फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ डिफरेंट प्रोडक्ट। यू कैन सी लैक्मे 9 to 5 स्किन स्टाइलिश कलेक्शन ल्यूमी लिट क्रीम हाइलाइटर एंड मॉइस्चराइजर। इसको रीड करती हूँ तो इसमें लिखा है लैक्मे ल्यूमी क्रीम मॉइस्चराइजर विथ हाइलाइटर। अब बात आती है दोनों डिफरेंस क्या है। एज सच इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों ही मॉइस्चराइजर का काम करती हैं, जिसमें थोड़ा सा हमें स्पार्कल मिलता है, थोड़ा सा हाइलाइटर जैसा हमारी स्किन थोड़ी सी रेडियंस ज़्यादा करने लगती है। तो ये प्रोडक्ट जो है प्रॉपर लैक्मे का है और ये पहले लॉन्च हुआ था और ये है लैक्मे 9 to 5 का, ये इसके बाद लॉन्च हुआ है। देखा जाए तो इन दोनों के इंग्रेडिएंट सेम हैं, इन दोनों की MRP सेम है, वर्किंग सेम है, सब कुछ सेम है। बस डिफरेंस जो है वो ये है कि ये जो है लैक्मे 9 to 5, इसमें 3 शेड्स हैं, ड्यूई रोज, सिल्वर शिमर, गोल्डन ग्लेज। तो ये पहले आता था प्रोडक्ट, अब ये न्यू लॉन्च हुआ है, तो बस यही डिफरेंस है। ऐसा में बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, ऐसा नहीं कहूँगी कि ये बेकार है, ये बेकार है, ये सस्ता है, ये महंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। दोनों में से आप कोई भी प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। आइए मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ 1 by 1 दोनों की अंदर से कंसिस्टेंसी कैसी है। ये देखिए पिंकिश, इसके अंदर थोड़ा सा ग्लिटर जैसा रेडियंस रहेगा, हल्की सी शाइनी जैसी हो जाएगी। ऐसा सही बताऊं तो मुझे ये प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आया। अभी अच्छा लग रहा है लेकिन ऐसा लगता है थोड़ी चमकीली से स्किन हो गई, अजीब सी। मैंने इसको एक दो बार ही यूज़ किया तो मुझे लगा कि ये शायद मेरी स्किन के लिए तो डेफिनेटली नहीं बना है, कुछ अलग सी चमचम जैसी फील हो रही थी। अब देखिए हाफ साइड मैंने ये लगाया है, हाफ साइड में आपको ये लगाकर दिखाती हूँ। यू कैन सी दोनों का ही कलर टेक्सचर बिल्कुल एक जैसा लगा। लगाने के बाद भी दोनों में मुझे कोई ऐसा डिफरेंस नहीं लगा, तो दोनों में से आप कोई भी खरीद सकते हैं। यदि आपको मन है कि कोई ऐसी मॉइस्चराइजर क्रीम खरीदें जिसमें थोड़ा सा ग्लिटर हो, मुझे थोड़ा ग्लिटर ऐसे ग्लिटरिंग थोड़ा कम पसंद है, तो इसलिए मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आई। इसमें थोड़ा मुझे ज़्यादा ग्लिटर लग रहा है कंपैरेटिव टू दिस ल्यूमी क्रीम। इसका कोई मैं ऐसा पर्टिकुलर रिव्यू नहीं दे रही कि आपको परचेस करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, ये सिर्फ अपनी चॉइस के ऊपर है। हाँ, प्रोडक्ट बेकार नहीं है कि आपकी स्किन के लिए हार्मफुल है या आप इसको आप यूज़ नहीं कर सकते, बेकार नहीं है, लेकिन इतना भी अच्छा नहीं है कि आप इसको अपने डेली रूटीन में ऐड करें। यदि आपको हाँ लगता है कि आपको थोड़ा सा मॉइस्चराइजर चाहिए जिसके अंदर थोड़ा सा हाइलाइटर जैसी लुक हो, तो आप इसको परचेस कर सकते हैं। इसकी MRP है 299 रुपीज़। जब मैंने इसको ऑनलाइन परचेज़ किया था तो ये मुझे 250 रुपीज़ के पड़े थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय बाय, टेक केयर।